तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अगर देखिए डेंसिटी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये पता होगा आपको कि डेंसिटी जो है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर बात करें डेंसिटी का तो एक शॉर्ट में देख लीजिए, अगर डेंसिटी क्लियर है तो फिर रिलेटिव डेंसिटी काफी ईजी हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। मतलब मान लिया जाए मास है किसी भी चीज का 5000 kg और वॉल्यूम है 5 m³। तो ऐसे केस में इसका डेंसिटी क्या हो जाता था, जस्ट मास बाय वॉल्यूम कर देते थे और वो आ जाता था उन लोगों का 1000 kg/m³। तो ये था, अगर बात करें हम लोग डेंसिटी की तो ये डेंसिटी के बारे में था। लेकिन अब अगर आए रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो रिलेटिव डेंसिटी को जानने के पहले सिर्फ ये जान लीजिए कि वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 g/cm³। अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में बोलें तो, और अगर किलोग्राम में बोलें तो वो होता है 1000 kg/m³। वाटर का डेंसिटी ये आपको याद रखना है। तो अब अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4°C। तो अभी 4°C को थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिए, वो समझ लेंगे फिर क्यों लेते हैं हम लोग 4°C पे। अभी आप कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लिया जाए अगर रिलेटिव डेंसिटी मुझे जिस भी सब्सटेंस का निकालना है, सपोज आयरन का निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो पहले फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस यानी जिसका आपको निकालना है, ठीक है, डेंसिटी जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4°C। तो जैसे ही अगर हम एग्जांपल के लिए समझे, अगर बात करें आयरन की, तो मान लिया जाए कि आयरन का अगर डेंसिटी है 5000 kg/m³। सपोज वाटर आयरन का डेंसिटी है 5000 kg/m³ और वाटर का डेंसिटी क्या होता था, अगर यहां पर इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो वाटर का भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही लिखना होगा। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg/m³। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5। फिर देखिए ये यूनिट भी कैंसिल हो जाता है ना, तो इस वजह से ये रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस रहता है। तो रिलेटिव डेंसिटी आयरन का क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर गिवन सब्सटेंस मतलब वही था कि जिसका आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना था, उसका डेंसिटी ऊपर लिखिए और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए वाटर का डेंसिटी, और ये जो डिवाइड करके आएगा दैट विल बी कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये था फॉर एग्जाम्पल, ये रिलेटिव डेंसिटी था आयरन का। तो ओवरऑल अभी हम लोगों ने क्या सीखा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वाटर का अगर डेंसिटी था 1000 kg/m³, आयरन का था 5000 kg/m³। तो देखिए वाटर का जो डेंसिटी है उसका 5 times है आयरन का, वाटर का 1000, आयरन का 5000, तो 5 times हुआ ना वाटर का। तो कहीं ना कहीं रिलेटिव डेंसिटी वही हम लोगों को बताता है कि वाटर के ये कितना टाइम्स है, किसी का डेंसिटी वाटर के कितना टाइम्स है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं यूनिट होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। यानी सेम क्वांटिटी का मतलब है कि अगर ये डेंसिटी है तो ये भी डेंसिटी ही है, भले ही ये आयरन का हो ये वाटर का हो, लेकिन दोनों है क्या, डेंसिटी। तो चूंकि अब जब क्वांटिटी सेम होगा तो यूनिट भी सेम होगा, यूनिट सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा और ये यूनिट लेस हो जाता है। तो अगर आपको बोला जाए सपोज कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो क्या वो रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता था कि वाटर के डेंसिटी के कितना टाइम्स है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। यानी वाटर का जो भी डेंसिटी है उसका 2.7 टाइम्स डेंसिटी है एल्यूमिनियम का। उस कई लोग ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके भी लिख देते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी अगर 2.7 है एल्यूमिनियम का, तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम को डी मान लिए और वाटर का डेंसिटी को सपोज 1000 मान लिए, 1000 kg/m³। तो इससे भी कैलकुलेट करके हम लोग बोल सकते हैं 2700 kg/m³। लेकिन उससे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि सिर्फ ये लिख दिया कीजिए कि इट इज मतलब डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी कहीं ना कहीं डेंसिटी का रेशियो था,
मतलब अगर जिसका भी रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता था हम लोग उसका डेंसिटी ऊपर लिखते थे और वाटर का डेंसिटी नीचे लिखते थे। ऐसे किलोग्राम और ग्राम दोनों का यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि अगर जो भी जिस सब्सटेंस का निकालना है अगर उसका डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिली है तो इसका किलोग्राम में ले लेंगे, अगर ये ग्राम में हो तो इसका भी हम लोग ग्राम में ले लेंगे। तो दोनों के लिए इसीलिए दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद जो ध्यान देना है कि एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी के लिए ना एक और एक्सप्रेशन है, उसको समझिएगा। मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स लिया, तो हम लोग कोई एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स का मान लिया जाए वॉल्यूम है वी, यानी इसका कैपेसिटी जो है, ठीक है, जिसका कैपेसिटी ही दूसरा नाम है वॉल्यूम का। तो अगर इसका वॉल्यूम सपोज है वी, इसमें क्या करते हैं लोग, पहले आयरन फिल कर दिए, एग्जाम्पल में आयरन ही सपोज करते हैं, आयरन फिल कर दिए, सपोज मास ऑफ आयरन इज एम आई, मास ऑफ आयरन। तो ऐसे केस में डेंसिटी ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी ऑफ आयरन का बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, तो यानी एम आई बाय वी, डेंसिटी ऑफ आयरन हो जाएगा एम आई बाय वी। अब क्या करते हैं, इसके आयरन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और वाटर से, मतलब आयरन निकाल के आप इसमें मान लीजिए वाटर भर दिया, तो अब वाटर भरे तो उसका मास हो जाएगा कुछ चेंज, मान लिया जाए जब वाटर भरे तब जो मास हुआ वो हुआ एम डब्ल्यू, वाटर का मास है सपोज एम डब्ल्यू। तो ऐसे देखिए वॉल्यूम में यानी इसके साइज में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, स्पेस तो पहले जितना ले रहा था अभी भी उतना ही स्पेस है, तो इसीलिए वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर फिर से वही मास बाय वॉल्यूम, लेकिन इस बार मास है एम डब्ल्यू, मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। तो ये था डेंसिटी आयरन का, ये था डेंसिटी वाटर का। तो अब अगर मान लिया जाए आपको अगर निकालना हो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का बात करें अगर आयरन का तो क्या होता था, देखिए डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको डिवाइड करना था, तो अगर इधर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा एम आई बाय एम डब्ल्यू। यानी एक चीज देखें, पहले हम लोग को क्या था, दोनों का डेंसिटी पता था तो हम लोग डेंसिटी को भी डिवाइड कर सकते थे, आयरन का डेंसिटी बाय वाटर का डेंसिटी, या फिर हम लोग मास को भी डिवाइड कर सकते हैं, मास ऑफ आयरन बाय मास ऑफ वाटर। लेकिन डेंसिटी वाला ये तो यूनिवर्सल फार्मूला, ये तो हमेशा अप्लीकेबल है, और ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब वॉल्यूम सेम हो, यानी कंटेनर एक ही कंटेनर में दोनों को रखा जाए, एक बार आयरन को एक बार वाटर को, या फिर अगर दो अलग कंटेनर भी हो तो दोनों सेम साइज का हो, सेम वॉल्यूम का हो, तभी ये अप्लीकेबल है। यानी जब वॉल्यूम सेम रहेगा तभी ये पॉसिबल है, यानी तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है, नहीं तो फिर ये डेंसिटी वाला ही यूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा इस पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्यों होता है, बिकॉज इट वॉज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, और दूसरा इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 3 देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो क्या था, इट मींस डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। अब अगर बात करें लिक्विड का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, तो देखिए लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोतल, जिसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल भी है। तो चलिए अगर पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोतल के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी बोतल। तो इस बोतल का डायग्राम जो है वो तो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, उसी से कॉपी कर लीजिएगा। तो जैसे ये मान लिया जाए ये है अगर रिलेटिव डेंसिटी बोतल, ऊपर में ये क्वार्क लगा रहता है और इसी में कैपिलरी ट्यूब रहता है। कैपिलरी ट्यूब मतलब सर ऐसा ही समझ लीजिए अभी, ये काफी नैरो जैसे ग्लास का ट्यूब जैसा बना हुआ रहता है। तो रिलेटिव डेंसिटी बोतल के हेल्प से आखिर हम लोग डेंसिटी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी पता करते कैसे लिक्विड का, ये इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए हम लोग क्या करेंगे, इस बोतल का जब ये खाली रहेगा कंप्लीट, तब इसका हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज मास ऑफ एम्प्टी बोतल, जब ये बोतल खाली था कंप्लीटली, तो मान लिया जाए इसका मास है एम वन, ठीक है। उसका हम लोग को क्या करना है, बीम बैलेंस फिजिकल बैलेंस किसी के भी हेल्प से इसका मास मेजर कर लीजिए इस खाली बोतल का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिस्टिल वाटर, बात करें अगर वाटर का ही तो वो प्योर वाटर को ही एज्यूम कीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग डिस्टिल वाटर इसमें फिल कर देते हैं पूरा। तो जब डिस्टिल वाटर फिल करेंगे तो क्या होगा, अब मास पहले से ज्यादा हो जाएगा इसका, चूंकि अब इसमें पानी है। तो अब मान लिया जाए कि मास ऑफ बोतल विथ वाटर,
यानी अब वाटर को मिलाकर मान लिया जाए उसका मास हो गया m2। अब क्या कीजिए, उस वाटर को निकाल दीजिए। अब जिस भी लिक्विड का आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, अब उस लिक्विड को इसमें डालिए। मान लीजिए अगर ऑयल का ही बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, वाटर को हटा के अब उसमें ऑयल भर दिया जाएगा। तब क्या जाएगा, मास ऑफ, मान लिया जाए मास ऑफ वाटर विथ लिक्विड। अब लिक्विड में इसमें वाटर मत समझिएगा, जिस लिक्विड का निकालना है रिलेटिव डेंसिटी, अब उसके साथ का बात हो रहा है। तो मान लिया जाए नया मास आया m3। तो देखिए वॉल्यूम तो सेम है, जो भी जस्ट एक प्रीवियस एग्जांपल दिए थे बॉक्स वाला, तो क्या था, बॉक्स सेम था इसीलिए वॉल्यूम सेम था। इस बार भी देखिए बोतल सेम ही है, तो इसीलिए वॉल्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है और आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो लिक्विड का, तो हम लोग चाहें तो लिक्विड का मास बाय वाटर का मास, यानी मास वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा उस लिक्विड का, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड बाय मास ऑफ वाटर। ऐसा लिख सकते हैं, मास वाला भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डेंसिटी वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द मास, बट इट इज अप्लीकेबल ओनली इफ वॉल्यूम इज सेम। तो आप क्या करते हैं, जिसे मास ऑफ लिक्विड बाय मास ऑफ वाटर करना है, तो मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, समझिए एम थ्री क्या था, लिक्विड और बोतल दोनों मिलाकर था, और सिर्फ बोतल का क्या था m1। तो अगर m3 में m1 माइनस कर दें, यानी कि लिक्विड और बोतल का जितना मिला करता है उसमें से बोतल वाले मास को माइनस कर दें, तो किसका मास रह जाएगा, वो लिक्विड का। तो मास ऑफ लिक्विड की जगह हम लोग लिख सकते हैं m3 माइनस m1। उसी तरीके से मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वाटर और बोतल दोनों का मिला करता, उसमें क्या करते हैं ये बोतल के मास को हम लोग माइनस कर दें, तब पता चल जाएगा हम लोगों को मास ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर विल बी m2 माइनस m1। तो ये आपको एक्सप्रेशन हो गया टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बोतल। ऐसे